के तो कह है कि आसमान में छेद नहीं होखे, के तो कह है कि आसमान में छेद नहीं होखे, एगो पखल तो तनी तबीयत से फेंका मर दे। जुनून और जज्बा जब जवानी के साथ मिल जाए तो कोनो काम दुनिया में असंभव नहीं खे। ऐसे तो पलामू में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त बहुत सारा खूबसूरत पर्यटक स्थल बा। अब पलामू के आदमियों के तनी घूमे फिरे में मन लगे है, बड़ी घूमे फिरे जा हथिन, पर परिवार के साथ खा हथिन, पिकनिक मनावा हथिन। और उसने एगो खूबसूरत स्थान बा केचकी के संगम, जहाँ मिल जाले दूगो धारा औरंगा और कोयल। अब मिल के उस जगह के ऐसा परपन्न बनावहत, ऐसा सुंदर और सुघड़ बनावहत कि सैलानी बरबस के मन मोह लेवहत। बहुत ही खूबसूरत नजारा बा रविन ठेठ पलामू के बहुत सारा वीडियो में देखत हो, चाहे आगे भी देखब कि ऐते ही यहाँ पे थकान मिट जाई, ऐते ही यहाँ पे प्रकृति के गोद में आंचल में रुआ वापस बुला ले, प्रकृति के गोद में एकदम सब ऐसन लगी जैसे कि मानो स्वर्ग यहीं बा। लेकिन आदमी हत पलामू के आदमी आई हन, बैठी हन, खई हन, लेकिन गंधो मचई हन। काजनी के आविष्कार कर ले हलक प्लास्टिक के, कि प्लास्टिक के बनल प्लेट, प्लास्टिक के बनल दोना, प्लास्टिक के बनल गिलास खई हन और छितरई हन और रह जाई वो यहीं केचकी के किनारे, चाहे कोई पर्यटक स्थल के किनारे, और ओकर चक्कर में रह जाई कूड़ा कचड़ा, जेकर से दुर्गंध मच जाई, प्राकृतिक सुंदरता खत्म हो जाला। लेकिन उस सब के मिटावे लाहिन एक नया सीख देवे खालिद ठेठ पलामू के टीम ठनलक एगो प्रण, और अलन पूरा टीम शुरू में तो आवेदन करल गलक ठेठ पलामू के लाइव माध्यम से कि आइए हम लोग यहाँ पे सफाई के कार्यक्रम में जुटे हैं। बहुत जल्दी ही कहल जाना कि नेक काम करेला शुरू करूं, देखो शायरी फिर मारब कि अकेले ही चले हली सफर में मगर, अकेले ही निकलल हली सफर में मगर, लोग जुड़त गेलन और कारवां बन गेलक। उहे तरीके से बुतरू बच्चा लड़का जवान बूढ़ा स्कूल के विद्यार्थी और साथे साथे घूमे वाला पर्यटक सभी सभी साथे बटा दलन। और रविंद देखू ई रहे पहले के नजारा, ऐसन कि मने आँख बंद कर लूँ, मने मन में उल्टी करे के विचार आवे लगी, ऐसन गंधाइल विचार, सौंसे प्लास्टिक फैलल, सौंसे कचड़ा फैलल, पानी रुक गेलक, ओकर में गंध हमारे लगलक, मच्छर उगे लगलन, अब इस सब कचड़ा खा के कैगो जानवर बीमार पड़े लगलन। अब फिर देखूँ हाथ से हाथ मिलावल गेलक, सब में बहार अलक, जुनून अलक, जज्बा अलक। अब देखूँ नजारा, देखूँ कैसे मिल मिल के सब लैकन चेंगन बड़न बुजुर्ग तस्वीर बदल दिलन, कह जला ना कि तस्वीर बदल दिलन एकदम। देखूं ये तस्वीर कितना आँख के सुंदर लगे बा। अच्छा बात ही रहलक के कर में सहयोग करे में आउ सब रहबे करलन, साथ में गो सहारा इंडिया परिवार के ग्रुप आयल लग अथी करे यहाँ पिकनिक मनाबे, वो सब साथे होलन और साथे मिल के हम इनके परिवार वाला के देखूँ हौसला बढ़ेलन। ये बीच में तनिक उन बोले के भी मौका मिलक ठेठ पलामू के संयोजक आनंद केशव जी के, तनि सुन लूँ का कही था तू। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग चूँकि ठेठ पलामू पेज है हमारा, पेज के साथ साथ एक ठेठ पलामू परिवार है जिसके आप सभी सदस्य हैं। हम लोगों की जो सोच है कि अपने पलामू की धरती के बारे में, पलामू की कला, पलामू की संस्कृति, पलामू की भाषा को जिंदा रखना है, इससे बोलने वाले, इसको जीने वाले अपनी भाषा पे, अपनी संस्कृति पे गर्व करें, यही हमारी सोच है और इसी के साथ बढ़ रहे हैं। अगर पलामू का पर्यटन स्थल के बारे में बात की जाए तो केचकी संगम अभी भी पिकनिक के लिए हॉटस्पॉट है। आप लोग भी उसी का नतीजा है कि इतने भीड़ यहाँ पे आज जुटी हुई है, और जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ वहाँ जूठा पत्तल सब बिखरा हुआ है। और सुबह हम लोग आए थे, सुबह का कुछ फोटो वगैरह भी है, आप लोग भी आए होंगे तो देखे होंगे दृश्य कैसा था, और पीछे अभी भी आपका दृश्य दिख रहा है, उसको अभी देख सकते हैं कि कैसा है। तो हम लोग वही सोचे कि अगर अपना मतलब घर आंगन ही अगर गंदा रहे तो हमारे बारे में कोई देखने वाला क्या सोचेगा, और उसी के ध्यान में रख के हम लोग आए। सबसे बड़ी खुशी हुई कि आपके टीम के सदस्य भी थे, हमारे गार्जियन भी हैं श्री प्रमोद राम जी,
ये भी हम लोग का उत्साह वर्धन करने चले गए। दो चार और लोग थे पीछे भी, कुछ लोग अभी भी यहाँ नहीं आए जो कि पिकनिक मनाने आए थे, वो लोग पिकनिक मना के साफ कर रहे हैं। बच्चा लोग इधर घूमने आया था, असली जो भी जैसा बोले पूरा भारतीय सेना का असली योगदान इन्हीं लोग का है। आगे से सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगा, पिकनिक मनाने आते हैं 10,000-5,000 जो भी खर्चा करते हैं, साथ में पत्तल और दोना जो है सखुआ का पत्ता का जो मिलता है उसका उपयोग करिए, ताकि वो खाने के बाद जो उसमें जूठा कट्ठा बचा रहेगा एक जगह जमा रहेगा, गाय गरु जितना चरते हैं सब लोग चर भी जाएंगे तो उन लोग का भी भोजन मिल जाएगा और दूसरा दिन यहाँ पे पत्तल आपको दिखेगा भी नहीं, तो उसका उपयोग करिएगा तो लोकल जो जनता है उनको भी फायदा रहेगा, लोकल जो कामगार है उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, उनका लाभ मिलेगा और दूसरी बात है कि गंदगी नहीं रहेगी। बस इसी यही संदेश है, आगे थोड़ा बचा हुआ है तो हम लोग साफ करने जा रहे हैं। तो होला कि ना नीमन बात बताऊं, अब इनकर बात सुन के रवीनों में हौसला जागी कि ना जागी, तो उहे के माध्यम से हमीन एगो अपील कही थी, एगो करबद्ध निवेदन बा, करबद्ध निवेदन बा, करजोरी करी थी, विनती करी थी कि काहे ना इ प्लास्टिक के पत्तल दोना के फेंक के ओकर जगह जो पत्ता बा जंगली पत्ता ई सब सखुआ के परास के बनल पत्ता के दोला पत्तल चाहे जे कहथिन मटिया के बनल गिलसवा के प्रयोग करूं, ओकर से का होई, एक तो कि खा के फेंकब तो गाय बैल चर जइहन, चाहे ऐसू प्रकृति ओकरा अपन में मिला ले अपने चीज बा, और सबसे जरूरी बात जे बा कि ओकर से लोकल आदमी के रोजगार भी तो बढ़ी, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनी, तो देखू दोनों प्रोग्राम बा, आत्मनिर्भर भारत भी और स्वच्छता अभियान भी, दोनों मकसद साथे साथे पूरा करे बा ठेठ पलामो, तो रविन के सहयोग के करने उम्मीद बा, अब बहुत बहुत आभार बा मीडिया वाला के, देखू सब न्यूज पेपर कटिंग चाहे बहुत सारा यूट्यूब चैनल में भी अलग, तो इस सब से हम इनके हौसला बढ़ेला, ऐसा नहीं है कि हम इनके प्रसिद्धि के भूख बा, ना ना ना, लेकिन जरूर हम इनके बात के अगर तो आओ आदमी सब ओकर में आई हन, प्रसिद्धि मिली, हौसला मिली, सब लोग जुड़ी हन, तो आओ आदमी सब ओकर में मिली हन, और इस तरीके से हम इनके कारवां आगे बढ़ी, तो यही रहे ठेठ पलामू के प्रयास, और इहे ला हम इनके तो कहल बना कि पलामू के खूबसूरती के, पलामू के संस्कृति के, पलामू के रिवाज के, पलामू के मिट्टी के खुशबू के महक के सहेजेला संवारेला पूरा दुनिया में फैलावेला हम इन प्रयास रहती ही, और उहे प्रयास के ई छोटा सा एगो कदम रहे, बहुत जल्दी एकर में आगे भी हम इन बढ़ब, रवीन के भरोसा मिले थे, ये देखो नज़ारा कितना सुंदर भाई, किचकी के नज़ारा आँख में कैद करेला, कैमरा में चमकावेला, सोचू ना कि क्या इमेज बनता अगर उ रह जीतक ऐसने गंदा, बिफोर और आफ्टर के तस्वीर देखूँ तो यह नज़ारा रह जाए तक, लेकिन अब बा कि यहाँ आकर के डांस करब रवीन, देखब कई तरह के चीज, तो यह चीज बा, तो फिर से हम उहे शायरी के दोहराबी थी रवीन के साथे साथे कि के कहलक कि आसमान में छेद नहीं होखे, एगो पखल तो तनी तबीयत से फेंका मर दे।